हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिला से महज 45 किलोमीटर दूर चांदपुर भंगहा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में, और यह प्राथमिक विद्यालय ठाकुर पट्टी है, जो कि हम बताना चाहेंगे कि यह एक ऐसा विद्यालय है जो कि कोसी और सीमांचल में यह पहला विद्यालय है जो कि तंबू के अंदर छात्र और छात्रा अपना पठन पाठन करते हुए नजर आ रहे। जी हाँ, आपने सही सुना, यह कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं है, बशर्ते कि यह एक सरकारी विद्यालय है। इस विद्यालय में तकरीबन 190 छात्र और छात्राएं इस विद्यालय में अपना पठन पाठन करते हैं। आखिर ऐसा क्या समस्या हो गई है जिसके चलते कि आज यहाँ पे जो भी शिक्षक और छात्र और छात्राएं हैं वो तंबू के नीचे पठन पाठन का कार्य किया जाता है? वो तंबू के नीचे क्यों होता है? मेन रूप से भवन का दिक्कत है सर। यहाँ पे दो ही कमरा है मात्र, कभी कम से कम 5 कमरा एक ऑफिस के लिए रूम रहना चाहिए, इसलिए उसमें बैठने में दिक्कत होती है बच्चों को, इसलिए तंबू लगा के यहाँ पे पढ़ाई होती है। क्या आज तक इस विद्यालय में बनमनखी के जो बीओ साहब हैं, यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, क्या कभी इस विद्यालय में जांचों उपरांत कभी नहीं आए? जांच करने तो आए हैं। तो क्या कभी उन्होंने नहीं देखा कि यहाँ पे यह तंबू के नीचे यह विद्यालय चल रही है? देखा, फिर यहाँ सर के, हेड सर के द्वारा वहाँ पे आवेदन भी शायद दिया गया है, क्या हुआ फिर जो आश्वासन दिए होंगे वही जानते होंगे। आखिर सबसे खास बात यहाँ देखने को यह मिल रही है कि जिस तरह की यहाँ के जो शिक्षक हैं, क्या नाम हुआ, अमृत, जिस तरह की यहाँ के शिक्षक अमृत जी ने बताया कि यहाँ पे पठन पाठन के लिए मात्र दो ही कमरा दिया गया है, और जो दो कमरा दिया गया है सरकार की तरफ से, यहाँ जो भवन बनाया गया है यह भवन जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। जी हाँ, यह भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, जबकि यहाँ पे अधिकारी भी आते हैं, सारा चीज देख के जाते हैं, लेकिन कभी भी वो इस विद्यालय में कभी ध्यान ही नहीं दिए। एक शिक्षक और हैं जो कि ये यहाँ पे आज प्रभारी प्रधानाचार्य हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है जो कि यहाँ पे छात्र और छात्राएं जो है वो तंबू के नीचे पठन पाठन करने को मजबूर हैं। सर, बताया जाए कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते कि आज इस तंबू के नीचे छात्र और छात्राएं पठन पाठन करने के लिए मजबूर हैं? जी, भवन का सर अभाव है, दो तो रूम है सर, जर्जर स्थिति में है, उसमें बच्चे को बैठने के लायक नहीं है सर। एक तो रूम जो है स्टोर है उसमें वो रहता है, इस बार रूम जो है नहीं, इसलिए तंबू जो है सो दिया गया है। रूम का सख्त सर अभाव है, 1 से 5 तक क्लास है, बच्चों की संख्या जो है 194 है। क्या कभी भी यहाँ पे बनमनखी से क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कभी इस विद्यालय में कभी जांचोपरांत कभी आए या नहीं आए? जी सर, एक बार 2017 में स्वर्गीय राम भगत बाबू आए थे, लिख करके जो है सो उच्च अधिकारी को दिया गया, इसके बाद कोई कार्रवाई इसके बाद नहीं हुआ, यही हुआ है। तो आखिर पूर्णिया के जो जिला पदाधिकारी है उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह इस विद्यालय का भवन का निर्माण हो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर, उसका भवन तो निर्माण होना ही चाहिए सर, इसके लिए आवेदन जैसे दिया गया है, कोई जो है सो देख रेख में जो है सो भवन बनाया जाए, यही सर कहना है। क्या नाम हुआ? कुंदन कुमार सर। जिस तरह से प्रभारी प्रधानाचार्य ने साफ तौर पे कहा कि 2017 में जो यहाँ के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी हुआ करते थे उनके पास इन लोगों ने आवेदन दिया, लेकिन यह विभाग का इतनी बड़ी लाचारी है जिसके चलते इसे लाचारी नहीं लापरवाही कहा जाए, जो कि छात्र और छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिर इस भवन का निर्माण कब हो सकता है। बिट्टू कुमार, कशिश न्यूज, पूर्णिया।